to Vidyadhan webinar on Vidyadhan platform today. Abhi February aa gaya hai, in the middle of the Feb. Post-COVID situation हम इसको बोलना शुरू कर दिया है बिकॉज अब तो हमारे पास vaccines भी हैं. अब hopefully in another month or two हम लोग ये COVID से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे. I'm being very very positive. And इसी के साथ हमारा जो कला क्षेत्र है वो शुरू हो गया है. थिएटर्स शुरू हो गए हैं. होपफुली जल्दी फिल्म्स मूवी हॉल्स में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी. वापस इट विल बी अ नॉर्मल लाइफ जहां पे हम लोग जाके लाइव परफॉर्मेंसेस देखेंगे एंड एग्जिबिशंस शोज सब. आई एम ऑनेस्टली वेटिंग फॉर दैट. इसी में करियर अपॉर्चुनिटीज भी वापस आते हैं. जब हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज लाइव थिएटर, तो एक्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो आई थिंक हर किसी के अंदर होता है. आजकल हम बात करते हैं ना, बच्चे भी एक्टिंग करते हैं, बट हाँ ऑफकोर्स नॉट द प्रोफेशनल वन, बट एक वो जो आर्ट होती है जिसको पॉलिश करके एक्टर्स आते हैं, उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? आई डोंट थिंक घटेंगे, बट टू डिस्कस अबाउट दैट वी हैव मिस्टर दिनेश कौशिक जी विद अस. ही इज अ टीवी एक्टर हु स्टार्टेड हिज करियर विद थिएटर एंड टुक एक्टिव पार्ट इन मजमा एंड एकजुट थिएटर ग्रुप्स. ही बिकेम अ हाउसहोल्ड फेस विद टेलीविजन कमर्शियल्स. हिज एडवर्टाइजमेंट ऑफ विक्स, कैडबरीज, थम्स अप, ट्री टॉप, क्योकार्पिन, मयूर शूटिंग्स, हीरो होंडा मोटर्स, बाइक, सर्फ्स एंड मेनी मोर बिकेम द हाउस होल्ड नेम. उस जमाने में 1980s में जब लोगों को एक्टर्स के नाम नहीं पता होता था, तब सबको दिनेश कौशिक जी पता होते थे कि ये हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए. एडवर्टाइजमेंट वॉज लाइक दैट उस टाइम पे. ही वर्क इन मेनी टीवी शोज, झांसी की रानी ऑन जी टीवी, घर की लक्ष्मी, बेटिया, तुम बिन जाऊं कहां, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑन स्टार प्लस. फिल्म्स आल्सो, फिल्म्स लाइक सरफरोश, तेरे नाम, बधाई हो बधाई, भूत अंकल एंड जो जीता वही सिकंदर, जस्ट टू नेम अ फ्यू. तो आज दिनेश सर से हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन acting industry. Dinesh sir, we welcome you here on the Vidyadhan platform. Namaskar sir. Namaskar. Sir, हमने बात किया, आपका introduction बहुत छोटा सा दे पाए, because आपका तो बहुत बड़ा, अगर मैं बोलती चली जाऊंगी तो बहुत लंबा निकल जाएगा. Advertisements, televisions, films. आई थिंक बिफोर कोविड यही तीन फील्ड्स में एक्टिंग मानी जाती थी. अभी तो वेब सीरीज आ गए, गेमिंग आ गए, काफी चीजों में और भी हो गया. तो टू स्टार्ट विद, हमें आपके थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएंगे, आपने कैसे शुरुआत की? देखिए, मैं बठिंडा, एक जगह है पंजाब में, वहां का मेरा बर्थ है. और फिर हम मेरे फादर रेलवे में थे, तो हम वो ट्रांसफर होके हम हरियाणा में आ गए. मुझे बचपन से कुछ ये एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या करूं, कैसे करूं. मुझे स्कूल में भी, अब जैसे कुछ फंक्शंस होते थे, मुझे जैसे रामलीला आप जानते होंगे वहां इतनी होती हैं, मुझे लगता था इसमें कुछ मुझे कोई बंदर की सेना में बैठा दे, मुझे मैं उसमें ही बैठ जाऊंगा. एक अजीब सा एक पैशन जो होता है कुछ करने का, कोई रास्ता नहीं था. वहां एक कॉलेज में था, स्कूल में था, मैं सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते थे उसमें हिस्सा लेता था और हमेशा मुझे अवार्ड्स मिल जाते थे. बीच में तो ये था कि मुझे कॉलेज में जो फीस भी जो मिली थी वो भी माफ कर रखी थी उन्होंने, क्योंकि एक्टर है जो कहीं भी जाता है हमारा कॉलेज का नाम अच्छा करता है, ये करता है, ये सब दौर चलता रहा और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. फिर मैंने ग्रेजुएशन किया हरियाणा से, एमए करने चला गया हिमाचल. इसी दौरान मुझे लगा कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन जाऊं कैसे? और मेरे को एक ये था कि भाई कुछ अपना बैकग्राउंड तो है नहीं, वहां किसी को जानता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा.
तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था होटल मैनेजमेंट का, मैंने कहा ये भी अच्छी ग्लैमरस सी लाइफ है, है? उसमें फिट रहेंगे, करेंगे यार, खाएंगे अपना, अच्छा कमाते रहेंगे। एंड देन मेरे उस दौरान में मुझे एक थिएटर का मैंने एक एड पढ़ा, इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मैंने अप्लाई कर दिया और वहां से कॉल आ गया मुझे। तो वहां जो हमारे जो हेड थे मिस्टर बलवंत गार्गी, नोन थिएटर डायरेक्टर, और उन्होंने देखा हाँ हाँ भाई हम तुम्हें लेंगे, तो ऐसे के देखे सर मुझे अगर स्कॉलरशिप मिलेगा ना तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो क्यों भाई ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आ सकते? मैंने कहा नहीं, हमारे मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स पे कोई बोझ पड़े उस चीज का, ये मेरा शौक है। मैंने चलो कोर्स कर लेते हैं, और नहीं हुआ तो कहीं किसी डिपार्टमेंट में हो जाएगी, मतलब आपके पास है कुछ। मैंने वो कोर्स किया, उसके करने के बाद फिर वो कहते अब बम्बई कैसे जाया जाए। मैंने कहा ये तो हो नहीं पा रहा है किसी तरह से, हमारे कोई जानता नहीं था, एक थे कोई जान पहचान के, मैंने उनको चिट्ठी लिखता था, मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ। अरे क्या करोगे यहाँ के, ना बहुत स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। मैं लेकिन भुवन मैं हरियाणा से अपना ट्रेन में बैठने के लिए दिल्ली आ गया, दिल्ली आया तो मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ। मैंने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से रिजर्वेशन करवा के ही जाऊँगा। एनी वे यहाँ ट्रेवल करके मैं आ गया। पूजा आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने की, लेकिन पता नहीं कहीं मेरे फादर को ये मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा बेटा कुछ कर लेगा। मैं यहाँ आया और तीन दिन तो मैं हमारे यहाँ रेलवे के वो होते हैं क्या बोलते हैं पासेस मिलते हैं, तो मुझे मैं वेटिंग रूम में मुझे मिल जाता था, रिटायरिंग रूम में होते हैं, दो दिन में हमारा रहा। मैंने कहा ये क्या जिंदगी है। फिर एक किसी जान पहचान वाले का था तो मैं उनके वहाँ ऑफिस में गया, मैंने कहा यार आप कुछ हेल्प कर दीजिए, आप फिल्म से हैं तो भीमसेन जी एक डायरेक्टर हुए हैं, तो उनके साथ मैं जाके उनसे मिला। कहते कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो वहाँ हूँ। अरे यार कोई ये कोई जगह होती है ऐसे आप आ गए वो करके? फिर मेरे को जिनको मैं लेटर लिखा करता था उनके पास गया, मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ। अरे यार क्यों आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ किसी का कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी अब तो, अरे यार तुम ऐसा करो किसी लड़की से शादी कर लो, उसके हीरो बन जाओ, बस वो ही तुम्हारी वो होगा। जी अब मैं आ गया हूँ, तो करना है। फिर नहीं हुए, वहाँ एक गेस्ट हाउस में मुझे उन्होंने जगह दिलवा दी। मैंने कहा चलो बेस्ट जगह। वहां से और रास्ता, मैंने कहा ये तो 10-15 रुपीज पर डे का था, मैंने कहा ये तो नहीं, मेरे पास तो 400 रुपए थे सिर्फ, और वो भी मेरे स्कॉलरशिप से मैं जोड़ के लाया था, और उसमें भी पूजा मैंने उन जो पैसों को ना उनके बॉन्ड बनवा के लाया था, मेरे को चोरी ना कर दे, क्योंकि एक बड़ा डर सा था मुझे कि यार यहाँ चोरी हो जाती है। और क्या नहीं भाई ये चलता रहा, मैं फिर वहां चला गया एक गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस से फिर मैंने मूव किया, एक हमारे कुछ दोस्त मिल गए चंडीगढ़ वगैरह से जो थे, फिर मैं एक हम रूम मिल गया हमें गोरेगांव में, हम वहां चले गए। अब मैंने जी स्ट्रगल शुरू कर दी, जाना ऑफिस रेगुलर, मुझे जाना जाके Oh, seems like कुछ कनेक्टिविटी इशू आया है, पर ऐसे होता है जब हमारा कुछ अमेजिंग सा चल रहा होता है बात, और बीच में इंटरनेट कभी कभी आके वो खटका सा कर देता है ना, तो मजा नहीं आता। आई एम श्योर सर इज ज्वाइनिंग अस बैक वेरी सून।
सो जैसे सर बता रहे थे, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफी पेशेंस की जरूरत होती है, एंड बिना किसी पर बोझ बने, मतलब इवन पेरेंट्स से भी उन्होंने ज्यादा सपोर्ट नहीं लिया, एंड बिना किसी एक्सेस सपोर्ट के या लग्जरीज के, हाउ ही रीच्ड द लेवल वेयर ही बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम इज अ बिग थिंग. एंड इसी बारे में हम सर से बात कर रहे थे. एंड सो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट का इशू आया था, एंड वैसे होता है कभी कभी जब बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही होती है ना, उसी टाइम पे इंटरनेट कुछ ना कुछ अपना काम कर देता है. जी, तो फिर सर क्या जर्नी थी वो आपके पास? वो 15 रुपीज लेते थे वो रूम में, एंड आपने बॉन्ड बनवाए हुए थे. हाँ, वो मुझे था कोई चोरी ना कर ले, तो मैं बस फिर उसके बाद मैंने कहा ये भी बहुत महंगी जगह है। देन हमारे तीन चार दोस्त मिल गए, हम गोरेगांव में आ गए। गोरेगांव में एक फ्लैट था, उसमें एक आंटी थी, उन्होंने हमें रख लिया। अब वहां रहने के बाद मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की, मिलना शुरू किया लोगों से। इसी दौरान में मैं ये प्रदीप वर्मा, एक बार फिर के जो हीरो थे विनोद पांडे जी की पिक्चर में, उन्होंने मुझे कहा कि मॉडलिंग करो यार, मॉडलिंग। मैंने कहा नहीं जानता। तो उन्होंने मुझे ज्योति ठाकुर जी का नंबर कहा, आप इनसे मिलो। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे दिया फर्स्ट ब्रेक विक्स वेपोरब का, और फिर मैं उनका रेगुलर मॉडल हो गया। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मेरा चेहरा ऐसा है जो कि इंडियन चेहरा है, हर जगह फिट होगा। और फिर मुझे दूसरे भी जगह से काम मिलने लगा। फिर मुझे एक बहुत बड़ा जो कैंपेन मिला वो था खटाऊ साड़ी का, तो उसमें मुझे सिलेक्ट हो गया। मैं, जो लेडी थी मेरे साथ वो इस वक्त पूर्णिमा जयराम, के भाग्या राजा साहब जो साउथ के डायरेक्टर हैं उनकी वो वाइफ है। तो हमने किया, वो तो हर लैंग्वेज में, हर जगह मैं टंगा हुआ हूँ। हर जगह जा रेलवे स्टेशन में देखता था मैं टंगा हुआ हूँ, हर जगह मैं देखता। मैंने कहा यार, यहाँ ट्रेन में हम टंगे हुए और हम यहाँ इस पे हो रहा है, ये सब चला। फिर मुझे एक बार यहाँ पर बैंड्रा कॉजवे पे मेरा होर्डिंग लगा एक दूसरी सिल्कीना शर्ट्स के लिए, तो मुझे करण राजदान जो एक्टर है वो मुझे पृथ्वी थिएटर मिले। यार दिनेश, तेरे तो यार वहाँ होर्डिंग लगा। मैंने कहा, कहते वहां पर लगा हुआ है। पूजा, मैं बस से गया और नीचे बस से उतरा उस वक्त, अरे मैं अपने आप को देख रहा हूँ वहां पे। मैंने कहा तुम यहाँ नीचे खड़े हो, देखो यार वहां पहुंच गए तुम। तो बट बड़ी एक आदमी आया, वंडरफुल, उसने मुझे देखा। हाँ जी, बड़ी अच्छी फीलिंग होगी ना अपना होल्डिंग जैसे लगा हुआ देख के. अरे बिल्कुल। मुझे एक दो लोग देख रहे थे ऐसे, फिर ऊपर देखते ये देख कहाँ रहा है, फिर देखते, फिर मुझे कहते तुम हो। मैंने कहा हाँ भैया मैं हूँ। फिर थोड़ी देर देखते, फिर हंस के चले जाते। एनीवे ये सब चलता रहा, मुझे मॉडलिंग के मिलने लगे। मैंने कोई भी ऐड नहीं छोड़ा, मुझे जहां पता चलता था कि मुझे कुछ है मैं पहुंच जाता था। मुझे कोई शर्म नहीं थी काम मांगने में, और मैंने एक से एक ऐड किया। कोई ब्रांड नहीं मैंने छोड़ा, लिवर्स का, इसका। कोई आया कि कैडबरी चॉकलेट का आया, मैंने कहा ये तो मुझे मिलेगा। अच्छा, उन दिनों ऑडिशन नहीं होते, तो फोटोग्राफ देखा, ये हो गया। ये ऑडिशन शुरू हुए एक विक्स वेपोरब की, मैंने फिल्म की थी सुजाता ठाकुर के साथ, एक पुरानी एक्ट्रेस हुई है। उसके लिए मुझे पता चला कि कैलाश नाथ जो है बहुत बड़े एड फिल्म मेकर, फा प्रोडक्शन के, वो ढूंढ रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा हाय कैलाश, आई एम दिनेश कौशिक, प्लीज कंसिडर मी फॉर दिस रोल। हे यू यू वांट टू डू इट, कम 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 फॉर द ऑडिशन। मैं वहां गया, वहां इतने सारे मॉडल्स थे। मैंने कहा तुम जाओ, मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरा चेहरा मुझे पता था कि मैं इंडियन चेहरा हूँ, मुझे मिल जाएगा। बोले यार तुम हो गए इसके लिए। वो किया, फिर और भी ऐसे चीजें चलती रही। वो जो ना की बात है, एक बार मैं फंस गया था। एक मुझे पान बढ़ा बाहर, एक वो पान मसाला आता था उसका ऐड मिला। कहते मोटरसाइकिल चला लेते हो, मैंने यस, आता नहीं था मुझे मोटरसाइकिल। और मैं, उन्होंने कहा शूटिंग थी, कहते ये है। मैंने कहा ये वाला नहीं है, मेरे को दूसरा आता है। अरे यार क्या कमाल हो यार, मैं उस मोटरसाइकिल पे पूरे जू में चक्कर लगाता रहा उसमें,
और मुझे रोकना नहीं आता था, कुछ नहीं। मैंने पूछा भैया ब्रेक कैसे लगाते हैं, मेरे वाले में तो अलग थे यार। कहता आपने कौन सा सीखा है? मैं मोटरसाइकिल की अब हीरोइन के साथ बैठा के मैंने पूरा वो एक जो शॉर्ट था मैंने शॉर्ट दिया। फिर ऐसे ही वो एक एड फिल्म थी उसमें कहा कि यार वो पानी का सीन है, स्विमिंग जंप करना है, आती है स्विमिंग? मैंने यस, मुझे कहाँ आती थी स्विमिंग। अब वहां गए पानी का, देखे था दिनेश कम 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 यू हैव टू जंप फ्रॉम देयर। मैंने कहा यार आजकल थोड़ी तबीयत सही नहीं है और मैं इतनी यार हाइट से नहीं कूद पाऊंगा यार। कहते यार तुम तो कह रहे थे। मैंने कहा शैलो वाटर में मैं तुम फीलिंग दे दूंगा उसे करके। मॉरिन थी मेरे साथ, वो मेरा था किस चीज का एड था देखो भूल गया हूँ, नटरी नगेट्स का कुछ ऐसी था, वो मिला मुझे। फिर होता रहा, ओमपुरी साहब ने मुझे से मेरी मुलाकात करवाई, इन्होंने राजा सुहास खान के राजा बुंदेला सतीश कौशिक। तो मैं मिला ओमपुरी साहब, हाँ भाई थिएटर से हो? हाँ ठीक आओ। बैठे रहते सबको देखते, नसीरुद्दीन शाह साहब इनके नाम सुने हुए थे हमने, उनको हमने कभी करीब से देखा ही नहीं था। अब जब थिएटर में थे तो इनका बहुत नाम था। तो एक दिन ओमपुरी साहब ने कहा कि यार लाइट म्यूजिक कर लोगे? अरे यस सर, कुछ नहीं पता म्यूजिक का, क्योंकि थिएटर में थे लेकिन हमने तो एक्टर एक्टर होता है ना, वो थोड़ी सी सीखता है टेक्निकल चीजें। अब कोई किसी को बोल दे यार ये आप काम करो, नहीं होगा आपसे। तो मैंने वो भी जब किया, मैंने कहा फंस गए यार पृथ्वी थिएटर, और वहां पर मैंने कर लूंगा। मैंने किया, वहां जाकर देखा उनके डिमर्स वगैरह देखे समझे, मैंने कहा यार ये होता है। मैंने कहा दिनेश कौशिक अगर तुमने अभी यहाँ कुछ किया ना तुम आउट हो जाओ। मैंने किया, पुलिस साहब बड़े खुश हुए। तो फिर बीच में दो रोल थे, एक प्ले था बिच्छू, मॉलियर का प्ले है वो, उसमें एक रोल राजा बुंदेला करते थे और एक नसीर साहब करते थे और एक मदन जैन एक एक्टर है पुराने वो करते थे। ये दोनों जा रहे थे उत्सव पिक्चर, कौन सी विजेता पिक्चर के लिए कलकत्ता। अब इसकी कास्टिंग हुई तो कई एक्टरों से पूछा गया, उन दिनों आलोक नाथ भी आ चुके थे, तुम कर लोगे? कहते नहीं, ये दो दिन में कैसे तैयार करूंगा, पहला दिनेश से करूंगा। मैंने कहा जंप कर जाओ, वो अगर मैंने उस वक्त कह देता कि मुझे म्यूजिक नहीं आता तो मुझे चांस नहीं मिलता। मैंने वो रोल दो दिन में, रंजीत कपूर साहब थिएटर के बहुत बड़े नाम है, जो कि ये अनु कपूर इनके बड़े भाई हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेस किए उन्होंने, रुकावा, फैसला, बेगम का तकिया। तो वो मेरे साथ पृथ्वी थिएटर में हम बैठ जाते तो कोने में, उसकी भाषा अलग थी उसकी। हम क्योंकि हरियाणा पंजाब से आए थे तो हमारी भाषा में भी थोड़ी गड़बड़ था, हमने मैंने ऐसा करता रहा कर दिया, पुरी साहब खुश हो गए। फिर मैंने ओमपुरी साहब के साथ बहुत ट्रैवल किया, उनका एक ट्रस्ट हो गया मेरे में, या दिनेश कर लेगा ये काम। उन्होंने उध्वस्त धर्मशाला एक प्लेस था उसके लिए मुझे भोपाल ले गए, कलकत्ता ले गए, कई जगह हम गए। एक थोड़ा इंसिडेंट हमारा बड़ा गड़बड़ भी हुआ था थिएटर में, ये प्ले था उसमें सतीश शाह भी थे एक रोल में, तो सतीश शाह को बड़ी आदत है मिमिक्री करने की और मेरे को भी मिमिक्री का बड़ा शौक। वो करते थे अजीत साहब की मिमिक्री और मैं करता था कुलभूषण खरबंदा की, हम दोनों लगे रहते। पुलिस साहब बोले यार तुम दोनों यार जब देखो मिमिक्री करते रहती हो। एनीवे वो जो प्ले था उद्धव धर्मशाला वो एट ए स्ट्रेच चलता था, उसमें कहीं रुकना नहीं होता था। तो चलते चलते मेरे कान में सतीश शाह ने कहा दिनेश मेरी लाइन क्या है? मैंने कौन सी लाइन? इतने मैं भी भूल गया अपनी लाइन। मैंने देखा तीसरा एक्टर वो हम दोनों की लाइनें बोल रहा है। अरे पुरी साहब ने कहा ये देखा, कहता है उन्होंने उसी प्ले में पीवाई, मुझे लगता है कि इस कार्रवाई को ही रोका जाए और वो करो। उन्होंने कर्टन डलवाए हैं और जो डांटा हमको, मुझे भी सतीश शाह तो उनके दोस्त थे, उनको इतना ही डांटा, मुझे ज्यादा डांट पड़ी। मैंने कहा सतीश यार मैं तेरे साथ नहीं अब रहूंगा यार, तुम्हें मरवा दिया ना तुमने, एक चांस हुआ था। उसके बाद मैंने कभी ऐसा ना मिमिक्री की ना कुछ किया, मैं सतीश शाह को जहाँ देखता मैं दूर चला जाता। सतीश बोला क्या यार दिनेश तू चला जाता है? मैं नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। अलग अलग हम दोनों रहते। थिएटर की जर्नी रही, फिल्मों में तो रोल थे ही नहीं, मुझे रीजनल फिल्में मिली, राजस्थान की फिल्म मैंने वो भी जाके की, मुझे उसमें विलन का रोल मिला। आपको मानेंगे नहीं विलन मैंने को करूंगा, मुझे था कि एक्टर हूं मैं, मैंने पहचान बनाऊंगा किसी तरह से। मैंने वहां किया, वो लोगों ने मुझे पसंद किया, दूसरी फिल्म में भी मुझे मिलनी शुरू हो गई।
फिर ये एक चला, फिर एक हिंदी फिल्म भी मुझे एज ए हीरो मिली, वो कभी बनी नहीं आज तक। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा और थिएटर में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्लेस भी किए, मैं फिर नादिरा जी के साथ जुड़ गया था, उद्धव धर्मशाला, जो नादिरा जी बम्बई में आई थी पहली बार तो उन्होंने ग्रुप शुरू किया था, उसमें सब थे, आलोक नाथ मेरे सामने आए थे, राजेश पुरी, ये सब थे। वो जो बिच्छू प्ले था उसमें मेरे साथ हीरोइन रहती थी सुप्रिया पाठक, कविता चौधरी, ये सब हमारे साथ उसमें थे। बशीर साहब के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला और हम दोनों के सीन होते थे, नसीर साहब और मेरे, क्योंकि हम दोनों ही राजकुमार के रोल कर रहे थे। नसीर साहब भी होता था, मैंने कहा नसीर साहब के साथ मैं थिएटर पे हूँ, लेकिन कभी हम वो नहीं करते थे कि थिएटर के एक्टर एक्टर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट व्हेन आई एम ऑन द परफॉर्मेंस आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं उस वक्त वो नहीं वो करता। तो ये सब हमने उनके साथ किया, फिर पुरी साहब बिजी हो गए, हम फिर नादिरा जी के साथ थे, उनके साथ भी राग दरबारी, उद्धव धर्मशाला, फिर मुझे लगा मैं थिएटर को नहीं टाइम दे पाऊँ क्योंकि मैं वहाँ फिल्मों में कुछ करने आया था, अगर थिएटर करना तो मैं वहीं कर लेता, यहाँ नहीं, यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो नाराज भी होते थे, यार तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, मैं जो काम करना है वो करूँगा, मेरा सर्वाइवल नहीं है यहाँ, मेरे कोई बैकअप नहीं है। तो पूजा ये दौर चलता रहा, फिर कहीं से कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने फिल्मों में भी जो रोल मिले वो छोटे छोटे थे, इतने ज़्यादा अहम रोल नहीं थे। फिर एक बार एक हमारे मित्र हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, विनोद पांडे, उन्होंने मुझे कहा दिनेश जिस दिन यहाँ पर सीरियल आ गए ना, टेलीविजन आ गया ना, बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया मैं टेलीविजन कहाँ, टेलीविजन तो उस वक्त दूरदर्शन था, उस पर भी चलते चलते पिक्चरें आती थी, उसमें कोई होते इन द प्लेस कैसे होते थे, एक होता था वो भी लगता था नाटक कर रहे हैं। तो वो दौर आया टेलीविजन का, उनकी बात बिल्कुल सही नहीं थी, इतना काम हो गया सब एक्टर्स के पास, लेकिन मुझे फिर भी उसमें नहीं मेरा नंबर लगा, मुझे दूरदर्शन ने लिया। दूरदर्शन के जो प्रोग्राम थे, हाउस होल्ड टाइप के उनके जो होते थे प्रोग्राम, उसमें फिट बैठता था। उसमें भी मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैंने एक पायलट शूट किया क्या प्राइवेट चैनल के लिए, तो उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया, तो एक इंस्पेक्टर का रोल था एक बच्चे के साथ। हाँ, एक बच्चे के साथ सीन था, और बाद में जब वो उसके लिए टेलीकास्ट का टाइम आया तो बच्चा बना कौन, कमल जी, उसका मैं चाचा। तो एक सीन था मेरा, जब मेकअप वाले जो थे मेरे बाल रंगने पे लगे हुए, और होता यह था कि हमारे जैसे भी जो सीन होते थे लास्ट में आता था नंबर, यार उनको जाना है, यार इनको जाना है, यार मेरा कब आएगा, यार तुम ला ये करते यार तुम्हारे, एक तो तुम्हें रोल दो और तुम सारी इतनी बातें करते हो, बैठे रहते। अच्छा, जब मुझे करने लगे तो बोले कमलजीत साहब, अरे भाई कौन है मेरा चाचा, कहते ये है वो, यार चाचा था ढूंढ के लाया करो तुसी, ये किन्नू लिया है, ये बच्चा जाया था। तो उसने बोला यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे काम, मैंने कहा, कहते यार अच्छी पर्सनैलिटी है तुम्हें, अच्छे रोल करने चाहिए, मैंने कोई देता ही नहीं है काम, देखो ना आपका चाचा बना रखा मेरे सारे बाल सफेद कर दिए, उन्होंने पूछे लगा रहा है कोई, और जहाँ शूटिंग कर रहे थे वहां पर जितने जो जो बंगलो वाले थे ना, अब लास्ट में होता था यार जल्दी करो यार पैकअप, हमें दूसरे भी काम करने, आप पैकअप करो। मेरा तब आया तो मैंने कहा यार कौन जी जी कोई काम नहीं देता है, नहीं नहीं यार तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा, जैसे मैं रोल करता हूँ ऐसे मिलेंगे। टचोड वैसे ही हुआ, मिले मुझे कहीं पर पार्टी में मिलते थे, मैंने कुकु जी जैसा आपने कहा था यार मैं क्या सी तनू, मैंने कहा हाँ जी आपने मुझे कहा था कि जब तुम्हें ऐसे रोल मिला करेंगे, और फिर टेलीविजन पे चलना शुरू हो गया, दूरदर्शन के जितने भी बहुत से प्रोग्राम से, मुझे कहीं कुछ नाम भी याद नहीं, मैंने इतने सारे प्रोग्राम किए, और जो भी काम आता था चाहे जी टी वी का हो, चाहे जी टी का कमांडर हो, गौतम अधिकारी या कोई भी था, फिर मेरे को एक वो रहा। लेकिन टेलीविजन भी एक ऐसी चीज थी कि उस पर भी आप कॉन्स्टेंटली इतना काम नहीं कर सकते, अभी मिलता है सीरियल चल रहा है बंद हो गया कहीं से जी, नहीं वो पायलट ही रह गया, नहीं हुआ, तो इतनी अनसर्टिनिटी चली। एनीवे टचवुड ये रहा कि जो मैं काम करने आया था उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन करना बहुत जरूरी था, और कोई रास्ता नहीं था।
इतना चलता रहा दौर और आज आपके सामने हैं हम। सर बड़ी मजेदार, मतलब अभी मैं आपके फेस पे एक स्माइल देख पा रही हूँ आपकी पुरानी जर्नी याद करके। कितना सेटिस्फैक्टरी रहता है, कुछ करने आए थे, सफर ऊंचा नीचा रहा, लेकिन अभी एक मुकाम पे आप हैं जहाँ पे यू आर अ हाउसहोल्ड नेम और सब आपको जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। स्ट्रगल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना ही, मतलब जितना मेहनत आप करते हैं उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिमिलरली वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो जितनी मेहनत पूजा जी इस जैसी खूबसूरत लाइन नहीं है, लेकिन उतनी ही टफ है ये, इसे मत इजी समझो। और ये जर्नी बड़ी आपको हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देती है, हर की सक्सेस दिखाई देती है, उसका वो जो स्ट्रगल के दिन आपको नहीं पता। आज भी हम लोगों को उतना ही, जैसे मैं आज भी उतनी शिद्दत के साथ उतनी लगन के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे आज आपके साथ मैं वेबिनार था, मैं रात को ठीक ढंग से वो नहीं हुआ, मैं एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे नए काम का बड़ा वो रहता है कि बच्चों की तरह मुझे रहता है पैशन, यार मुझे करना है, बहुत अच्छा काम करना है। कहीं शूटिंग होती है तो मैं बहुत प्रिपेयर होके जाता हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, वो एक थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं एक हम लोगों में रहता है और मुझे लगता है वो होना भी चाहिए। हाँ तो वो मेरे रहा, और मैं एनीवे आगे बात करेंगे काफी उसी डर और उसी एक झिझक के लिए ना हम लोग और मेहनत करते हैं। जी तो सर मेहनत तो हर जगह है आपके। ट्रू सर, ट्रू। हाँ बोलिए बोलिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो सर अभी जैसे हम लोगों ने एक एरा देखा 2020 में, जिसको हम लोग पैंडमिक एरा बोलते हैं, COVID-19 सिचुएशन बोलते हैं। आपने बताया कि आपके टाइम पे एक समय था जब ऑडिशंस नहीं होते थे और एक समय आपने आया जिसमें ऑडिशंस होने लगे। अभी आपको क्या डिफरेंस दिखता है ऑडिशंस में नए लोगों के लिए? अभी टेलीविजन इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात कर रही हूँ तो बीट थिएटर, बीट टेलीविजन फिल्म्स, OH, आउट ऑफ होम, वेब सीरीज, एनीथिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और आई थिंक एक एक ऑडिशन के लिए मल्टीपल सौ या हजारों लोग आते होंगे। आपको इस पैंडमिक एरा के बाद में क्या डिफरेंस दिखा ऑडिशन में? ऑडिशन में बहुत फर्क आया है, क्योंकि मैं मेरे दूसरे जितने भी को एक्टर्स हैं मैं उनके साथ टच में रहता हूँ, और पहले ये था कि ऑडिशन पे बुलाया करते थे वो लोग, और कई जगह क्या होता था कि ऑडिशन का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। एक हमारी एक हिंदुस्तानी लोगों में है कि बस लग जाते हैं जी ऑडिशन लेना। भाई ऑडिशन किस चीज़ का, आप मुझे बताइए इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आप मेरे अंदर देखना चाहते हैं, आपने मुझे अप्रोच किया मुझे बताइए। एनीवे मैं तो अभी थोड़ा सा रहता हूँ, हर जगह नहीं जाता हूँ, नहीं किसी को भेजता हूँ। हाँ मुझे लगता है कि यार इसको ये जो इसने रोल बोला है डिजर्व करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूजा वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं, नई जनरेशन आ गई है। अब मेरे से कोई बहुत पुरानी बात करेगा तो मुझे भी उन एक्ट्रेस का नहीं पता होगा, लेकिन हम ऐसे लोग थे जो सब जानते थे, लेकिन आज की जनरेशन नहीं बेचारी जानती। मैं अपनी बेटी को ही बोलता हूँ, बेटा ये राजेश खन्ना कौन पापा? मैंने कहा बेटा ये डिम्पल, वो अपने उनके हस्बैंड, वो भी नहीं पता। हाँ ट्विंकल, अच्छा उसके पापा, उनको पता ही नहीं इन लोगों के बारे में, क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहते। हमें क्या था, वो अपने काम के लिए बड़ा पैशन था, हम सीखना चाहते, हमें लगता जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं वही था, ये ऑडिशन शुरू हुए, एनीवे उसमें आप ना नहीं कह सकते, कोई चीज़ है तो है। कई जगह हमारा काम ऑडिशन से हुआ है और कई जगह तो ऑडिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो देख लेते हैं यार कि इसने बंदे ने इतना काम किया और ये ऐसे हैं, इनको बुला लो यार उसके लिए। बट लेकिन एक टेंट चला हुआ है, अब बेचारे बहुत से ऑडिशन के लिए मैं कई बार देखता था, इतनी भीड़ रहती है वहां पर, इतने लोग लड़के लड़कियां, सर व्हेन इज माय टर्न, ये वैसे खड़े मैं देखता था बेचारे यार। और अंदर कई बार बेचारे
खड़े रहते थे, धूप में खड़े हैं, उनका किसी का मेकअप हो रहा है, और कहीं बेचारे वहां अपना ही नाश्ता भी करते रहते थे, यानी कि बेचारे आए होंगे और सब बोलते हैं जल्दी खत्म, मुझे दूसरे ऑडिशन में जाना है, वो उनका एक काम था, रूटीन था, वो अब खत्म हो गया कि वहां जाना अभी इन्होंने शुरू कर दिया कि सब सेल्फ भेजो। अब सेल्फ पे क्या भेजेगा आदमी, अब आपके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट तो है नहीं, बाहर की आवाज आती है, बाहर आप कार्य नीचे से कोई हॉकर चला जा रहा है, आप कोई रोने का सीन उनको बेचारों को भेज रहे, कहते हैं अरे इतनी प्रॉब्लम होती है, नीचे कोई हॉकर चिल्ला रहा है, नीचे वहां से आ रहा है, कोई घर में आवाज है, घर में आपके रिलेटिव्स होते हैं, कोई चिल्ला रहा है, ओ यार क्या हुआ, पीछे से ऐसी आवाज आ रही है, आप कोई अपना सीरियस काम कर रहे हैं, वो सिंसियरिटी नहीं, क्योंकि वो वहां एक माहौल होता था, वहां एक काम करने का एक वो रहता था, सब उसको समझते थे, यहाँ नहीं है। और फिर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है बिचारों के, और कैमरे उतने अच्छे नहीं है सेल के, अभी क्या करें, वो वैसा तो भेज नहीं सकते, हो गए यार तुम्हारा यार क्लियर नहीं है ऑडियो, यार तुम्हारा वीडियो क्लियर नहीं, तो ये सब उनकी प्रॉब्लम आई। और लेकिन अब ये है कि उनको भेजना पड़ता है, बीच में तो एक ऐसे एक ऐड का मुझे भी आया था, बहुत लोगों को आया कि आप घर से बना के भेज दीजिए, मैंने क्या घर से, नहीं घर में आपका कोई छोटा बेटा होगा, ये होगा, मैंने कहा ये कैरेक्टर कहाँ से लाऊंगा मैं, कह तो उतना पोर्शन कर दीजिए, हम ऐसे ऐसे चार पांच पोर्शन करके हम अपना एड रिलीज कर देंगे, मैंने कहा यार कहाँ से लाए छोटे बच्चे, और बीवी बीवी तो कहेगी क्या है, खाना भी बनवाते हो, ये भी करते हो, और ये अलग तुम्हारे साथ काम करे, कहते अपनी मिसेस को ले लीजिए वही एक्ट कर देंगे, मैंने यार तुम मत ये सब उसमें डालो, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, ये बोल रहे कई बेचारे सिंसियरली करते भी थे, अपनी वाइफ को मनाते थे भैया ये कर दो वहां मेरा ऑडिशन हो जाएगा, होता होता किसी का नहीं था, तो लेकिन ऐसा वो हो गया कि अभी तो मुझे पता चला कई लोगों ने अपने लैपटॉप ले लिए हैं, कुछ अच्छे कैमरे ले लिए हैं और लाइट्स ले ली हैं, कहते यार ये, मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो यही चलता रहेगा, अब जरूरत है काम चाहिए आप तो आपको उनको देना पड़ेगा, वरना वो नहीं बुलाएंगे आपको, ये प्रॉब्लम वही, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना वो बड़ी थी प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, कहाँ जाएगा, कैसे पहुंचेगा वहां ऑडिशन पे, ये सारी डिफिकल्टी जो उन्होंने अभी मैंने देखी, जिन लोगों से मैं शेयर करता था, और कई लोग बेचारे सिंसियरली कर कहते यार जब काम करना ही है तो हमें जो वो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, इस तरह से ऑडिशन में बहुत बेचारों को फर्क आया। और आधे अच्छा एक और चीज, फिर आपकी एज पूछते हैं, फिर आपके बारे में पूछते हैं, आपकी हेल्थ कैसे है, मैंने कहा यार तुम क्यों डरा रहे हो यार, एक तो ये पहले ही पेंडेमिक चल रहा है उससे डरे हुए, तुम और डरा रहे हो उसमें, वो सारी चीजें पूछेंगे, नहीं आपको कोई सर बीपी तो सब सही है, आपको हुआ तो नहीं है, मैंने कहा क्या करोगे तुम यार, मैंने कहा लेना लो यार तुम तो इतनी सारी बातें पूछ रहे हो, नहीं नहीं एज है तो इतना नहीं है, मैंने कहा हम काम करने लायक हैं, हम काम करना चाहते हैं, मैंने बच्चन साहब को तो बना नहीं कर सकते, हमसे सारी पूछा जा रहा है, चैनल कह रहा है ये चैनल की डिमांड है, यानी वे सारी डिफिकल्टीज है, मेकअप नहीं होता वहां तो चलो मेकअप वाला कहीं मिल जाता है या कोई ऐसी हो जाती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, उतनी लाइट नहीं मिलती, उतनी वो उसका सोर्स जो मिलना चाहिए, एनीवे काम तो इसी से ही चल रहा है अभी तक, जितने भी सुनने में कई अच्छा जो उनके ऑफिस थे वो ऑफिस ही नहीं रहे, अभी पता चला जी साहब आपने तो ऑफिस ही छोड़ दिया है, तो मैंने कहा उनकी ना जगह है, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री है ना, काम चलते रहना चाहिए, तो वो करते हैं उस हिसाब से बुलाते हैं, और ये सेल्फ ऑडिशन ही चल रहे हैं अभी तक। और हाँ दूसरी बात ये पूछा जाता है सर आर यू इन मुंबई, और फिर कई बार तो ये पूछते थे लॉकडाउन का टाइम था आप कहाँ रहते हैं सर, कहाँ मड के पास में है, नहीं नहीं सर दोज पीपल हु आर लिविंग क्लोज टू मड ओनली दोज कैन अप्लाई, यार ये भी एक प्रायोरिटी हो गई उनकी, क्योंकि उनका होता है ये आएगा कैसे, इसको काम में हमने कास्ट कर लिया, उसे पता चला ये निपेंसी रोड रहता तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसी सब चीजों का सामना इस दौरान करना पड़ा, लेकिन अभी चीजें एट ईज हो गई हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, तो कोविड सिचुएशन में भी बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, चेंजेस काफी आ गए हैं सर, अभी जैसे हम लोग ही बात कर रहे हैं, आप मुंबई में हैं और मैं मोहाली चंडीगढ़ में हूँ, एंड
हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग का डिस्टेंस सोशलाइजिंग करके और साथ में हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, तो एक ये मजेदार सी चीज भी आई है. वो कहते हैं ना प्रोस एंड कॉन्स, तो एक मजेदार सी चीज उभरी है कि अब हम लोग किसी से मिलने के लिए फिजिकल अवेलेबल होना जरूरी नहीं है. ये जूम और ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो कनेक्टिविटी बनती है वो अपने आप में एक और मजेदार चीज बन गई है. बट यस, मतलब प्रोफेशनल डिफिकल्टीज हैव बीन देयर एंड दिस इंडस्ट्री इज नोन फॉर हैविंग अ डिफिकल्ट बिगिनिंग टू गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. मेरे पास एक आपके लिए सवाल है कि हम अभी ऑडिशंस की बात करें, आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री रेगुलर लाइफ की तरफ वापस आ रही है? बिकॉज अब ये पेंडेमिक, वैक्सीनेशंस आ गए हैं, सब चीजें सॉल्व होना शुरू हो गई हैं, तो हाउ इज इट कमिंग बैक टू द नॉर्मल फिल्म इंडस्ट्री लाइफ? देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बिल्कुल ऐसा देखता हूँ कि ये आर्मी के लेवल का काम करते हैं. जैसे आर्मी के हमारे लोग, ऐसे हम लोग काम करते हैं. डिफरेंट लोकेशंस, वहाँ पर पहुँच जाना, शूट करना, और वहाँ का कैसा क्लाइमेट चेंज है, कुछ नहीं हम देखते हैं. हम, हमारे अंदर पैशन होता है, हम थोड़े से लोगों से अलग होते हैं तभी इस लाइन में है. इस लाइन में जो है नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता. आदमी सोचे कि यार कोई 9 to 5 जॉब वाला नहीं, इसके अंदर एक पैशन चीज है. और हर आदमी, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, आपने हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस नहीं देखे, वो इतनी भारी भारी लाइट्स लेके चलते हैं, यहाँ से वहां पहुंचते, लोग कहाँ से क्या ले जाना, कभी ना नहीं कहते वो लोग हमेशा. और वो रिफ्लेक्टर लेके खड़े रहते हैं, कहीं भी कुछ हो. मैं इनको देखता हूँ, यार मैंने कहा जब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम भी वो उतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा, कोविड में क्या हुआ कि ये एक ऐसा टाइम था किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा. सबके पास अटकलें थी कि भाई ये हो जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने हो जाएगा. सब अपना कर रहे थे और हम बच्चों को नहीं बता पाते कि अब हो क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या कैसा टाइम है. किसी को कोई आंसर ही नहीं है. सबके पास बातें हैं और कुछ नहीं था. हम जो चैनल्स में देखते थे, जो न्यूज में, वही हमें वो सबसे बड़ा वो लगता था. और दूसरा फिर ये होता है कि हमारे स्टेट्स जो है बड़े दूर दूर लगते हैं, वहां पहुंचे कैसे. और वो बोलते थे कि यार साहब एक रोल आ रहा है वहां पे. मैंने कहा वहां, यहाँ एक जगह है नायगांव, मैंने वहां पहुंचेंगे कैसे, कोई ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं था. और फिर वो है कि उसके टाइमिंग्स क्या होंगे. अभी तक ये जो बसेस बंद है, रेलवे के जो थे वो नहीं चल रही थी, और कार वगैरह भी होती है. हमारे जैसे इंसान, मेरे को इतना ड्राइविंग का शौक नहीं है, मैं करता हूँ, जाता हूँ, आसपास की होती है, अपनी गाड़ी ले जाता हूँ, करता हूँ, इतना लंबा नहीं है. मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आऊँगा. अच्छा, कैब चल नहीं रही थी, कैब से पता भी करते थे, बोलते हैं वहाँ जाएंगे साहब आप करेंगे. मैंने कहा वहीं मैं पूरे दिन का दे दूंगा, वो भी मानने को तैयार. मैंने कहा आज बोल रहा कल चला गया. तो ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज हुई सेट. फिर ये भी पता चला कि कुछ सेट्स थे जो वहाँ पर शूटिंग के, जो सीरियल्स थे, उन्होंने उनको वहीं रख लिया था अपने पास ही. भाई आप यहीं रहिए, यहीं खाइए, जब आपका रोल खत्म हो गया चले जाइए. बट ये कितने थे, और सेट इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको सैनिटाइज करना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे जाएगा. और फिर हम एक्टर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जितने भी थे, उनको हमें, हमारा तो इंस्ट्रूमेंट ही बॉडी है, इस बॉडी को ठीक रखना वो बहुत प्रायोरिटी थी. मैंने कहा यहाँ कुछ हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, हमारे को अपने अपने आप पे ही ध्यान देना पड़ता था. कहीं कोई काम आता भी था, जरा लाला चाहता था ये काम कर लूँ मैं, लेकिन लगता था नहीं. एक मुझे कोई कहानी आई तो उन्होंने कहा इसकी शूटिंग करनी है मॉडल. मैंने ठीक है तो चला जाऊँगा. मैंने कहा इसमें क्या है. फिर ये एक शादी का सीन है, मैंने क्या, अरे मैंने कहा इतने सारे लोग होंगे उसे, तुमने तो कहा था 2-3 कैरेक्टर है. नहीं नहीं वो शादी का आपसे दूर रहेंगे. अरे मेरे से दूर क्या रहेंगे, वो तो आसपास घूमते रहेंगे. मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा. लास्ट मोमेंट मैंने मना किया, आई एम सॉरी. मैंने कहा यार नहीं सर, हम आपको अच्छे पैसे दे रहे. मैंने कहा पैसे वैसे नहीं है तू. अच्छा, पहले तो घर वाले नहीं मानते थे, वो देखते थे पापा क्या बात करे, कहाँ चले. मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ. हाँ ऑडिशन ऑडिशन का शौक है आप कर लो, लेकिन जाना कहीं नहीं. मैंने कहा यार ये अलग है, और ये जो इनको बताऊंगा कि वहाँ ऐसे वो है,
और फिर मैं नेक्स्ट डे की लोकेशन पूछ रहा हूँ कि मैंने कहाँ लोकेशन है, उनके पास कोई आंसर नहीं, वो सर उधर कहीं होगा। मैंने कहा यार ये कुछ पता नहीं, ये कहीं का कहीं बोल देगा, वहां पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स थी, कई बार मना करना पड़ा और फिर डर लगा रहता था। कई बार पता चलता था कि उस सेट पे यार एक को हो गया है, बस शूटिंग बंद। देखो हम लोग काम करते हैं लेकिन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए। और उस वक्त ये हो रहा था कि शूटिंग चलनी चाहिए, सीरियल रुका हुआ है यार, वो हो रहा है, इतने बड़े बड़े सेट होते थे उनको कैसे सैनिटाइज करोगे, इतना हमारे 150-200 लोग होते हैं शूट पे, लाइट मैन, टेक्नीशियन, ये वो, उनको कैसे आप वो करोगे। अच्छा फूड नहीं था, जनरली क्या होता हमारी शूटिंग पे खाना वो प्रोवाइड करते, लेकिन मैं तो ऐसा इंसान हूँ अपने घर से खाना ले जाता हूँ, मैं नहीं खाता। बट वॉट अबाउट द अदर पीपल, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सारी चीजें हुई और फिर हमें कहीं कोई हेल्प नहीं थी, मॉनिटरी कोई हेल्प नहीं थी किसी को, हमारे जो अपने ही जो सुपरस्टार्स हैं मैं, उन्होंने डोनेशन दिया और उससे ही लोगों को, जो हमारे बहुत से मॉनिटरी इतने स्ट्रांग नहीं थे, उनको हेल्प दी गई कि भाई हर महीने आपको दे देंगे, लेकिन वो भी कितनी हेल्प कर सकते थे। बहुत से लोग थे उनको कहा गया कि चले जाइए यहाँ, तो आप घर जाओ, कहते यार घर कैसे जाएं हम। और कई एक्टर्स को तो ये भी सुनने में आया, बेचारे चले गए, वो अपना सारी चीजें यहीं छोड़ गए। उस वक्त तो होता था कि कैसे हम यहाँ से जाकर अपने क्लोज जोन्स में जाके रहें, वो अपना घर छोड़ गए, एसी छोड़ गए, अपनी गाड़ी भी छोड़ गए, उनको तो भागो यहाँ से। आधे से ज्यादा जो लोग थे वो यहाँ थे ही नहीं, बेचारे वहां थे, वहां से फोन करते थे मैं तो इधर आ गया हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं वहां पर हूँ। ये सारे इतनी उसमें हुए और फिल्में जो थी, फिल्में इतनी बन नहीं रही थी क्योंकि थिएटर तो थे ही नहीं, कहाँ रिलीज करेंगे। और उन्हें ये लगने लगा था कि थिएटर का तो होगा नहीं। अच्छा वेब सीरीज वगैरह मतलब कि उसमें आ गई थी, इनकी शूटिंग चलती थी कहीं कहीं, और वो भी सारी यहाँ नहीं होती थी, बाहर चले जाते थे लोग, किसी दूसरे शहर में जाके ऐसा करते थे। बट स्लोली लोगों ने अपना निकले काम करने के लिए और काम हो गया, मतलब चलना शुरू हो गया। जैसे बीच में सतीश कौशिक ने मुझे बताया यार मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ, अनुपम और मैं हैं उसमें, हम भोपाल जा रहे हैं। वो गए, अच्छा उनको देख के लगता था इतने बड़े वो लगा रखे हैं ये करके, एक तो पूरे जैसे चांद पे जाने वाले उतना गेटअप लिया होता था सबका, वहां जाते थे और ऐसे हालात हो जाते थे कि भाई हम तो निकल भी नहीं, सेफ्टी नहीं है कहीं भी। आदमी एक दूसरे को शक की नजर से देखता था, यार इसको तो नहीं है कहीं कुछ, अरे यार इसको तो कुछ नहीं है, इतना डरा हुआ था कैसे काम करें। और हम एक्टर्स, हमारा तो चेहरा, हमारी तो बॉडी वो होती है कि हमें परफॉर्म करना है और हमारा जो माइंड सेट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर जरा भी डिस्टर्बेंस होगी तो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वही पोर्ट्रे करते हैं ना जो राइटर ने लिखा होता है कैरेक्टर को, हम कैरेक्टर को उसको कैसे लाएंगे। हमें सिर्फ वहां जाके डायलॉग्स तो बोलने ही नहीं होते, उसमें ईमानदारी से काम करना होता है। ये सारी इतनी डिफिकल्टीज आई लेकिन स्लोली काम होना शुरू हो गया। फिर इस दौरान में हमारे कई बहुत सीनियर एक्टर्स थे और अच्छे एक्टर थे, इरफान का, ऋषि कपूर साहब और ये सब, ऐसी मतलब सारी बातें सुनने को मिली और आप डिसहार्टेड हो जाते, नहीं आप निकल पाते। पहले कहते यार जान है तो जहान है, हमारे आपस में आते थे एक दूसरे को किस्से बताते, यार उसको हो गया ये हो गया। एनीवे अभी तो काफी मतलब के लाइन पे आ चुके हैं हम, काम चल रहा है। और जैसे बच्चन साहब को भी कोरोना हुआ लेकिन वो उन्होंने भी करोड़पति किया, इधर कपिल शर्मा ने भी अपना शो किया, उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिए, उन्होंने तो ऑडियंस नहीं ये रखेंगे ऐसे करेंगे, मतलब के एक जो था एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए वो हम लोगों के अंदर है, वो हम फाइटर है और हम सब इंडियन जितने भी हैं, आप सब लोग, आप सबके मैंने जैसे सारे वेबिनार्स अटेंड किए आपके, इस दौरान में देखो ना कहीं बहुत ही अच्छी चीजें हुई हैं। नूपुर मिली, जो नूपुर ही एक की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, नूपुर ने मुझे परसू किया, मुझे नहीं आप कीजिए आप देखिए वेबिनार, मुझे पता ही नहीं क्या होते हैं वेबिनार, मैंने सीखा, मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है,
मैंने जितने भी आपके स्पीकर आते थे उनको सुनता था, रेगुलरली बैठ जाता था टाइम पर। मैंने कहा भाई कुछ शोर नहीं मचाया, कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और कई बार हाँ एक दो हो जाते थे कुछ लंबे, वो नहीं देख पाता था, कुछ अपनी दूसरे काम होते थे घर के, क्योंकि घर के भी तो काम हमें भी करने पड़ते थे, सबने किए हैं, उसमें वो कोई वो नहीं है। तो इस तरह से अभी लाइन पे है, मैंने खुद अभी शूट शुरू किया। अभी मैं गया शूट पे तो मुझे कहीं डर था, लेकिन वहां सबने मास्क लगाए, सबने अपना हुआ। मैंने कहा अच्छा हम क्या एक्टर्स लगाएंगे, हमारे यहाँ निशान पड़ जाता है, वो कितना भी वो क्लोज व्लोज में भी लगता है साहब आपके निशान लग रहा है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते थे वो। तो मैंने कहा यार तुमने सेफ्टी की हुई है तो हम तो सेफ है ही। एनीवे दो तीन दिन का जो मेरा एक फिल्म का था मैंने किया, आ गया। अब एक अंदर हिम्मत आ गई कि नहीं भाई है, सब कूल है, और जितनी जल्दी हो सके हमें चीजों से निकल जाना चाहिए। उसी में उसको मैं, मेरी एक हमेशा आदत, मैं फ्लैशबैक नहीं देखता, जो बीत गया दैट हैज गॉन, वो डेड है अभी, वो पास्ट है, भूत है, वो उसको नहीं याद कर, प्रेजेंट में चाहिए, फ्यूचर का सोचो। और प्रेजेंट में ही फ्यूचर मिल जाता है। आप मेहनत कीजिए, मत अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे तो हेल्थ ही, सबकी प्रायोरिटी वही थी। अभी नए नए टीवी शुरू हो गए, शुरू शूटिंग हो गई, बीच में चंडीगढ़ में एक नीतू कपूर जी गई थी, उनको कोविड हुआ, शूटिंग पैकअप होके आ गए, फिर वो दोबारा चले गए। काम चलते रहना चाहिए। अभी मुझे किसी ने बताया कि अभी कई प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं वो खुद कोविड टेस्ट करवाते हैं, आपके घर में डॉक्टर भेजेंगे, आपका सारा टेस्ट किया जाएगा फिर, ताकि दूसरों को ना मिले, इतनी ध्यान रख रहे हैं। हाँ कई एक्टर्स ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि साहब वहाँ चंडीगढ़ शूटिंग है, 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन में रखेंगे, और फिर वहां पर आपके जो सारा टेस्ट होगा, फिर आपके साथ शूटिंग करेंगे। और काम कितने दिन का, 4 दिन का, कहता 14 दिन ये 14 दिन वो। अब मैं घर आऊंगा तो घर वाले अलग क्वारंटाइन में डाल देंगे मुझे किसी शहर में, कहते हैं मेरी तो लाइफ ही क्वारंटाइन में गई है, मुझे कहाँ काम करने का मौका मिला। तो ऐसी बहुत सी डिफिकल्टीज हुई, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए हैं। और हम इंडियंस लोग हैं ना, बहुत फाइटर लोग हैं, हम बहुत जल्दी बाहर आते हैं। फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आप लोग, एक नई चीज मुझे सीखने को मिली है वेबिनार की वजह से, नई नई चीजें आई। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हमारी जिंदगी में बहुत आता है, हम एक्टर्स जो होते हैं कई बार एकदम सीरियल बंद हो गया, उसने कहा था यार ये 2 साल चलेगा, वो तो पता चला 3 महीने में TRP ने घर बैठे हुए, वो लॉकडाउन नहीं है। लेकिन ये नहीं ऐसा देखा था कि भाई ऐसा क्या घर बैठे कि यार किसी से बात ही नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो उन सब चीजों को हमने ओवरकम किया, क्योंकि और लाइफ में इतनी स्ट्रगल भी देखी है और इतना सब सहा है, तो हमें इतनी चीजों का अब इतना असर नहीं पड़ता। और दूसरों को भी हम इंकरेज करते हैं, अरे यार निकलो यार, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गेटिंग द पॉजिटिविटी जो अभी आप स्प्रेड कर रहे हैं ना, वो सबके पास पहुंच रही होगी। सो इसी बात से एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कोविड सिचुएशन ने जिस टाइम पे सब चीजें ठहर गई थी, उस टाइम पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वॉज बूमिंग, इट वॉज गोइंग हाई बिकॉज कंजम्पशन बहुत बढ़ गया था। इवन जब हम आप शुरू में हमने दूरदर्शन की बात करी, जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स वापस शो पे टीवी पे टेलीकास्ट हुए, तब लोग सारे मॉडर्न चैनल्स वेबिनार सब छोड़कर दे वर वॉचिंग दूरदर्शन। सिमिलरली हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मीडिया के लोग सब डटे रहे हैं मैदान में, ताकि सारी इंफॉर्मेशन सब क्लियरली आता रहे। तो इट हैज बीन अ टफ फेज, बट यस वी हैव कॉन्कर्ड इट, एंड विद द सपोर्ट ऑफ कोर्स आर एंड द विजन ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर सर, अभी हमारे पास वी हैव द वैक्सीन ऑल्सो एंड वी आर स्प्रेडिंग इट अक्रॉस पूरा कंट्री, अब्रॉड कंट्रीज में हमारा वैक्सीन जा रहा है, एंड लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी कंट्री की। एंड यस एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडियन इज अ बॉर्न टू बी स्ट्रॉन्ग।
तो सर अभी एक इसी से क्वेश्चन आता है कि अभी आपको क्या फ्यूचर दिखता है लाइव थिएटर परफॉर्मेंस का, क्योंकि शुरू हुआ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स, अभी आपको जब हम लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एवरीबॉडी, इवन मुझे लगता है कि बाहर निकले, थिएटर में जाए, लाइव देखें, कि वो लाइव कैसी फीलिंग आती है, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं हम लोग चेंज चाह रहे हैं कि जब ये चीजें खुलेंगी तो हम लोग वापस थिएटर में जाएंगे. अभी ऑक्यूपेंसी 50% है, मोस्ट प्रोबेबली और 2-3 महीना में 100% भी अलाउड हो जाएगा एंड मूवी हॉल्स विल ओपन. सो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू राइज, या आपको लगता है कि घर में ही देखना लोग पसंद करेंगे? नहीं पूजा, देखो एक चीज थी कि जो कोविड का जो टाइम था उसमें लोगों को घर पे एंटरटेनमेंट की एक आदत पड़ गई है. और अभी क्या है जो मुझे लगता है, अच्छा उस वक्त लोगों के पास कोई काम नहीं था, कोई दूसरा था ही नहीं, क्या न्यूज देखो, खाना खाओ, फूड इज सबसे बड़ी वो थी, और भैया एंटरटेनमेंट, ये अपना ये वेब सीरीज देखो, ये प्रोग्राम देखो, इन पे लगे. अभी थिएटर का जो है बैक ऑफ माइंड, मुझे लगता है लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं डर है. और दूसरी बात है कि अभी नई रिलीज नहीं कोई है, या तो हो ना कोई अच्छी फिल्म आए तो आपको लगे यार ये फिल्म हमें थिएटर में जाके देखनी चाहिए. देखिए ये जो जितने भी चीजें हैं ये चेंज होती रहेंगी, थिएटर जो है उनकी अपनी अहमियत रहेगी, लेकिन थिएटर लायक वो फिल्म होनी चाहिए. हमें, मेरी जो अपनी फीलिंग है कि आप थिएटर जा रहे हैं और मैं ये देखने जा रहा हूँ या ये फिल्म है, ये थिएटर में अच्छी लगेगी. नो डाउट सिनेमा सिनेमा, उस जैसी कोई बात नहीं है, वो एक पूरा आपको माहौल मिलता है, बंद उसमें रहते हैं आप, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हर चीज से, वो रखते हैं. यहाँ पर घर होता है, घर में घर जैसी चीज होती है. जैसे एक बार मैं ऋषिदा के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने कहा अरे बाबा जोर से बोलो जोर से, मेरे को समझ में नहीं आया ऋषिदा क्यों कर रहे हैं ऐसी बात कहने, जोर से बोलने के लिए टेलीविजन है. अरे बाबा नहीं, घर में क्या है, जब तो हमारा प्रोग्राम जाएगा, लोग खाना बनाएगा, कोई कुछ करेगा, उठ के आए वो तुम्हारा आवाज सुनेगा जोर से तभी आएगा वो, नहीं तो वो देख के भाग जाएगा उधर, तुम इतना ही सब बोलेगा. लगा यार ये लोग, हालांकि फिल्में इन्होंने बनाई आनंद और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, ये लोग ये कह रहे इस मीडिया को समझ रहे हैं. ऐसी सिनेमा है, सिनेमा के लिए फिल्में होंगी, क्योंकि लोगों को अब आदत पड़ गई है एक ऐसे, भैया ये कंटेंट तो हम घर में ही बैठ के देख सकते हैं और बैठे देख सकते हैं अच्छे. अभी बड़े बड़े टीवी आ गए हैं लोगों के पास, और अभी मुझे लगता है कि लोग अपने काम में ज्यादा बिजी होना चाहेंगे, क्योंकि जो जरिया था वो टूट गया था, लोगों की जॉब चली गई. अब हम तो एक इनसिक्योर लाइन में रहते हैं, वो हमें तो पता ही होता है कि भाई हमारे ऋण गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं. हमारे जो परिवार के लोग भी होते हैं वो भी कहते हैं क्या शूटिंग पे हैं या घर में, कहीं घर पे ही हैं, कई बार नहीं काम होता और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. यहाँ बहुत कम एक्टर हैं जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं. थिएटर भी ऐसे ही है, थिएटर में लोग जाएंगे क्योंकि बीच में भी थिएटर में अच्छी फिल्में नहीं चल रही थी तो लोग नहीं जाते, जहाँ अच्छी आती है तो लोग जाते हैं वहां पर देखने के लिए. वो थिएटर जैसा एक थोड़ा सा उनको वो फिल्में वैसी बनानी पड़ेंगी. और जैसे आपने बात की हमारे जो थिएटर होते हैं पृथ्वी थिएटर वगैरह में वहाँ होते हैं, वहाँ पे भी वही चीज़ है, उस जो सोशल डिस्टेंस है, हालांकि मैं बाजार में जाता हूँ कोई लोग नहीं रखते हैं, ठीक है जी और चल रहा है जी अपना चल पड़ते हैं, उन्हें कोई वो नहीं है, इस तरह वो नहीं वो रहता है. कहते हैं ये आपको हो रही है तो आप थोड़ा दूर हो जाओ जी, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, क्या कर लेंगे आप. तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, वहाँ पर प्लेस होंगे लेकिन जाने वालों कहीं थोड़ा सा डर रहेगा कि बैक ऑफ माइंड जो है इतना जो देखा है. आम आदमी के लिए इन चीज़ों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम इस प्रोफेशन से हम जानते हैं तो हम समझ सकते हैं लेकिन हर आदमी को नहीं. मुझे लगता है कि थिएटर का टाइम आएगा, चलेगा थिएटर में फिल्म, लेकिन थिएटर जैसी फिल्में होंगी, बड़ी फिल्में कोई आएगी लगेगा यार ये थिएटर में जाके देखनी चाहिए, वो देखेंगे उसमें. देखो टीवी टीवी है, आप कितना भी देख लीजिए वो उतना वो नहीं आता. आई एम श्योर जब बड़ी फिल्में आएंगी अच्छी वो जाएंगे, और खासकर जो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो भी वेट कर रहे हैं
कि भाई जब ये थिएटर आएंगे तो हम तभी रिलीज करेंगे। कईयों ने रुके रुके हुए अभी तक, कईयों को लगा था भैया अब कोई रास्ता नहीं है, रिलीज कर दो, वो कर रहे थे उसको। और मुझे तो लगता है बहुत अच्छा टाइम आएगा और खासकर बहुत काम होगा। अभी कितने आपके पास हैं, वेब सीरीज हैं आपके पास, सिनेमा है, टेलीविजन है, एड फिल्म्स हैं, और कितने नए आ गए, जैसे ये यूट्यूब आ गया है, और इसमें काफी वो होगा, बहुत मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए और अच्छा टैलेंट चाहिए। जो नए टैलेंटेड लड़के हैं लड़कियां हैं उनके लिए बहुत काम है, बहुत बोलो बहुत काम, ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि जो भी आपकी एक कुछ काम कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कीजिए, जरूर मिलेगा। भैया जब हमें मिल सकता तो उन्हें क्यों नहीं, उनको तो ज्यादा नॉलेजेबल है वो, ज्यादा आपको, अब जैसे है आपको सब चीजों की ज्यादा नॉलेज है मेरे से, आप इतना जानते हैं, मैं आपको कोई बात बताऊंगा नहीं, ये तो पता है जी मुझे, मैं जानती हूँ, हमें नहीं थी इन चीजों की। और नई जनरेशन जो है ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है, सब है उनके अंदर, बस ये प्रोफेशन जो है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ हर आदमी शाहरुख खान नहीं बनता, हर आदमी कुछ वो नहीं हो पाता, बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। मैं तो कहता हूँ ये क्या काम है, जो आपका शौक है वो आपका प्रोफेशन बना हुआ, इससे बड़ी और बात क्या चाहिए थी। मेरा तो यही होता है कि जिस लड़की से प्यार किया उससे शादी हो गई। बिल्कुल सर, जब हम वो कर रहे होते हैं जिसको हम, जो हमारा पैशन है, तो कभी थकान नहीं होती, चाहे 4 घंटे भी आप वो काम करते रहेंगे तो यू विल फील फ्रेश, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपका पैशन रहा है। लेकिन उसी की तरह जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें आधे घंटे में लगता है कि बस हो गया। तो ये इंडस्ट्री ही पैशनेट लोगों की है। हाँ हाँ बिल्कुल है। अभी कोई बैंक में काम करता है, उन्हें आप कहिए यार बैंक ज्वाइन कर, नहीं यार मैं नहीं जा रहा यार, हो गया यार बहुत साल, यहाँ यहाँ उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, यहाँ तो वही अभी तक बच्चे भी देखते हैं, बीवी भी देखती है, यार ये अभी भी देखो पापा को कितना वो रहता है, बच्चों की तरह अभी भी लगे रहेंगे, नहीं बेटा वो बनाना है। अभी क्या है कि खुद तो कर नहीं पाते, मैं बेटी को बुलाऊंगा, मेरी 2 बेटियां हैं तो मैं बुलाऊंगा, बेटा इधर आ जरा मुझे बताए इसमें करके, बेटा मेरा वीडियो कर दे, तो वो बना देती है बेचारी, लग जाती है, कहती पापा कितने टेक करोगे, मैंने कहा बेटा करती रहे, मुझे जब अच्छा लगेगा तब मैं तुझे मना करूंगा। तो ये सारी है चीजें, शौक का है काम, पैशन रहना बहुत जरूरी है। और पैशन मैं पूजा इसी लाइन में नहीं समझता, हर लाइन में होना चाहिए। काम जो भी करो मेहनत से करो, सिंसियरली करो, ऑनेस्ट रहो उसके लिए, आप देखो कोई रोक नहीं पाएगा, आपके अंदर ये सब चीजें होंगी, आप आगे जाएंगे। सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है दैट इज अनदर थिंग, उस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फेलियर भी मिली है तो देखो भैया हमारे अंदर क्या फॉल्ट है, ये नहीं कि यार तकदीर मेरी ऐसी थी, मैं ज्यादा तकदीर वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे होता है कि नहीं मुझे तकदीर और पैशन, पैशन ही हमारे को एक वो होता है ना, एक घोड़ा होता है जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आई थिंक अगर किसी ने वो पैशन का घोड़ा पकड़ लिया तो सक्सेस तो मिलेगा ही। एंड सक्सेस कभी भी हम लोग नंबर्स में नहीं नाप सकते, मतलब जरूरी नहीं है इफ समबडी इज नंबर वन ओनली दैट इज सक्सेस। व्हेन यू गेट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योर हार्ट दैट इज सक्सेस। तसल्ली, जब आप दिन में काम करके शाम को बैठते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैंने वो किया जो मुझे पसंद है, दैट इज सक्सेस। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये जितने भी अब जैसे अरुणा ईरानी जी पुरानी हमारी एक्ट्रेस है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं कई बार अरुणा जी से मैंने कहा अरुणा जी बहुत हो गया ना, नहीं भैया अभी तो कुछ काम ही नहीं किया है मैंने, क्या काम किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और वो होता है हम लोगों के साथ, मैं आज भी अपने आप को ऐसे न्यू कमर समझता हूँ। मैंने कह दिया तो कि कोई मुझे बोलते यार आपको जानते हैं यार आपको देखा है, मैंने कहा यार अच्छा थैंक यू यार आपने मुझे जानते हैं, वो मेरे को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक अंदर वो आ जाएगा तो हम नहीं काम कर पाएंगे। ये चीज मैंने अपने सारे सीनियर एक्टर्स से देखी, राजेश खन्ना साहब जो कि हार्ट थ्रोप थे सबके, आपने शायद उनकी फिल्में नहीं देखी होंगी, मैं पागल था उनकी फिल्मों के लिए,
आपकी मम्मी या आपके वो होंगे काका जी जो दे, और आई एम सो लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनके साथ, वो मेरे दोस्त हो गए थे, हम वो मुझे मेरे साथ बहुत सी चीजें शेयर करते थे लाइफ की, कैसे आनंद फिल्म मिली, कैसे मुझे वो फिल्म मिली, कैसे मेरी पहली फिल्म आराधना थी, सारी चीजें लाइफ की। तो मुझे लगता था, आज भी तो कई बार कह रहे थे यार वो मेरा मतलब के ट्विंकल का बेटा है, वो कह रहा था कि आ जाओ, मैंने कहा नहीं नहीं आज मेरा शूट है। वो आज भी शूट पे उतने पैशन से आते थे और पूरा पूरा करते थे, कहते यार जब रोल खत्म हो जाएगा, ये पैकअप हो जाएगा, तब मैं दूसरा कोई काम करूंगा। वो था उनके अंदर। मैं हम सो लकी कि वो इतने अच्छे मेरे दोस्त बन गए थे, कभी सोचा नहीं था हमने कि इतने बड़े सुपरस्टार जिनको हम देखते थे वो आपसे वो करेंगे। मैं काफी एक्ट्रेस के इतना क्लोज रहा, मुझे कोई यकीन नहीं होता था यार, इनको तो पढ़ते हुए देखते थे। जब बॉम्बे आए थे, मैंने धर्म जी को देखा, मैंने विनोद खन्ना जी को देखा, मुझे लगा दिनेश यू आर मिसफिट, कहाँ गए हो तुम, ये हैं हीरो, तो इतने खूबसूरत लोग, इतने ये। मैंने कहा हम कहाँ से आ गए यार, हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई ऐसा वो नहीं कि यार ये देखो ये होते हीरो। लगता था कि धर्म जी चले आ रहे हैं और विनोद खन्ना चले आ रहे हैं, और इनको देख के कॉम्प्लेक्स ही आ जाता था कि आदमी नहीं यार हम गलत आ गए यहाँ पे, हमें वैसे ही वो छोटे शहर में होते ना सबने चढ़ा दिया, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा यहाँ आगे पता चलता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एज एन एक्टर भी मैंने देखा यार, हमने तो कोर्स करके आए, इतना करने के बाद सबके साथ काम किया, नसीर साहब इन साथ, आपको लगा था आप कोई स्टैंड ही नहीं करते हैं, यू लर्न, आप इन लोगों के साथ जब काम करते हैं, और वो रहना चाहिए, मतलब काम करने के लिए आपको सबसे सीखना चाहिए। ऐसे ही पैशन का ही काम है, मैं उनके अंदर भी वो पैशन देखता हूँ। और है किसी भी फील्ड में आप रहिए, पैशनेट तो रहना पड़ता है, तभी आप देखना सक्सेसफुल हो जाएंगे किसी फील्ड में। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला राजेश खन्ना सर के लिए, सिमिलरली मैंने भी आपको पर्दे पे देखा है, एंड मेरे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड आमने सामने बात कर रही हूँ। नहीं नहीं पूजा प्लीज, आप मुझे ज्यादा वो कर, ऐसा नहीं है सर। अभी हम एक घंटा हो गया है, पता भी नहीं चला कैसे निकल गया, तो आखिरी दो क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ लूंगी। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज बहुत ओपनली चल रहे हैं, राइट? ये एक डिमांड ऑफ द एरा कह लीजिए, चेंज कह लीजिए, जो भी, बट समहाउ मुझे ये जानना जरूर चाहूंगी, व्हाट्स योर टेक ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? आपको क्या लगता है कि ये नया एरा है एंड ये चलता रहेगा या चेंजेस की उम्मीद लगती है? देखिए जो वेब सीरीज है ये 90s में शायद ये अमेरिका में कुछ शुरू हुई थी, और उस वक्त ये था कि भाई एक ऐसी मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग का था जिसमें कोई आपके सेंसर नहीं, कोई आपके कोई टाइम बाउंडिंग नहीं, आप बस बनाइए और अपना रिलीज कर दीजिए, और एक वो चलता रहा। वहाँ सक्सेसफुल हुए तो बहुत से बाहर के लोग आ गए। हमारे यहाँ भी वेब सीरीज अभी कोई नई नहीं आई है, हमारे बीच में बहुत वेब सीरीज आई। मैंने भी एक वेब सीरीज की थी इनकी, क्या नाम है, भट्ट साहब की एक मैंने फिल्म की थी, विक्रम भट्ट की, तो आई गई हो जाता है उसमें। और बहुत से लोग जैसे यंगस्टर थे वो बोलते थे यार वेब सीरीज देख रहे हैं यार, हम नहीं है टीवी देखते, हमें पता ही नहीं था इतना ज्यादा। मैंने कहा इसकी इतनी कहाँ डिमांड होती है, एक तो ये यूट्यूब पे आती है, कुछ कुछ नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ जो वेब सीरीज का, मैं तो कहूंगा वेब सीरीज का जो सही प्लेटफॉर्म मिला वो था लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में कोई नई रिलीज नहीं थी, टीवी प्रोग्राम्स नहीं थे, कहीं कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था, वही पुरानी पिक्चर देखो बैठ के देखो। ये जो कि जब हम कभी हम किसी टेलीविजन सीरियल की शूटिंग करते तो वहाँ शूटिंग चलती रहती थी, अब वो वेब सीरीज की शूट हो रही है। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ आएंगी, कैसा होगा इनका, क्या होगा, और आती थी चलती थी। बीच में मैंने नसीर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था भी आने वाले टाइम में फिल्मों को भी से भी ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज हो जाएगी, लेकिन हुआ यही
कि अभी ये जो कोविड का जो टाइम आया वो सही प्लेटफॉर्म मिला है। कुछ नहीं था लोगों के पास, यही एक रास्ता था। अच्छा, वेब सीरीज में क्या था कि कोई कहीं से आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई कहीं गाइडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने जो बनाया अपना कर दिया। होता ये है कि ऐसे वक्त में गलत लोग बहुत होते हैं। उन्होंने कहा ये है यार, कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, कोई पूछता है नहीं, बना के रिलीज करो। मुझे क्या लगा कि हमने बहुत सी ऐसी चीजें हमने करनी शुरू कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम इंडियन लोग हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमें उस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी के सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचाए। अच्छा, होता क्या है, फ्रीडम हम बहुत जल्दी ले लेते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल आता है, आप देखते हैं हवलदार रुक जाते हैं, देखा रेड सिग्नल है, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, निकल जाते हैं। नहीं, हमें उस सिग्नल को दिमाग में लाना पड़ेगा कि भाई सिग्नल है तो कभी भी है। अब फिर लोगों को आ गया, नहीं साहब यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब फिर रुक गए लोग, क्यों रुके, डर, वहां एक हवलदार खड़ा है, एक सीसीटीवी कैमरा खड़ा है। अब यही यहाँ पर हो गया, इनको जो है सेंसर अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्रीडम का ऐसा गलत इस्तेमाल मत कीजिए, ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसको मत इतना वो कीजिए। ऐसी बनाइए सीरियल जो आपके परिवार के लिए देखें, आपके अपने मेंबर्स देखें। आप ऐसी चीजें क्यों बनाते हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरे देखें, मेरे घर वाले ना देखें। इसमें मैं कहता हूँ एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ऐसे सीन्स, हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को कुछ करे। ये नहीं कि हम अपने आकर है हमारी, लेकिन हम भी कई बार ज्यादा नहीं बोल पाते क्योंकि हम तो एक्टर हैं, वो तो हमसे एक्ट करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं हमें, मैं नहीं करूंगा, दूसरा आके करेगा। बट सम हाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर कि भाई कहीं हमें ना कहनी आनी चाहिए, हम भी उसमें बह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आज देखिए ना कितने कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, यार वो ऐसी है, ये ऐसी, क्यों बना रहे हैं आप यार, आप एंटरटेन कीजिए। आपने एक जरिया बना लिया, इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई, हमने भी इस दौरान में शायद लॉकडाउन में मैं और मेरी वाइफ बैठ के देखते हैं, हमने कहा कहा कि वेब सीरीज कोई थोड़ी नहीं, कोई फिल्म आई, कोई सब देखा, अच्छी लगी। कहीं कहीं तो खोलते ही लगता था यार ये क्या शुरू कर दिया, बंद करो। मतलब कि वेब सीरीज जो थी, क्योंकि वेब सीरीज के नाम पे उन्होंने गलत चीजें डालनी शुरू कर दी, उन्हें लगता उसको दिखा दो, मैं अपना गुरु, आप अपने पैसे भरने के लिए, अपने वो करने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, मत कीजिए ऐसे। अब देख रहे हैं ना अच्छे अच्छी कितनी वेब सीरीज है गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, होगा। आप किसी पर्टिकुलर एक को एम कर रहे हैं, कुछ करेंगे, गड़बड़ी आएगी। आपको ध्यान रखना है चीजों का, आप ये सोच के बनाइए कि ये आपके परिवार के लोग भी देख रहे हैं। ये मत सोचिए नहीं साहब वो देखेंगे, वहां के गांव के लोग देखेंगे। एक तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। वेब सीरीज में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि अब जैसे सीरियल होता है, सीरियल आप देखते हो उसकी एक टाइमिंग होती है, यार ये 9 बजे प्रोग्राम आएगा, अरे यार मेरे तो वो आज एपिसोड मिस हो गया, मेरा तो ये मिस हो गया। अभी तो चलो आदमी वो कहीं ना कहीं से अपना रिकॉर्ड करके देख लेता है, पर जनरली नहीं होता है। वेब सीरीज तो ऐसी है, उसने सारे डाउनलोड कर दिए, अब देखो जब आपका मन आता है, एट ए स्ट्रेस खत्म कर दो उसे, उसने इतनी फ्रीडम दे रखी है। वहां बस होना चाहिए नेट, नेट है किसी के, हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के किसी कोने में बैठ कर देखो आप, कोई टाइमिंग नहीं, फ्रीडम है। और यंगस्टर जो थे, जो काम करते थे, उन्हें होता था यार कौन घर बैठ के देखेगा, कौन यार ये करेगा। अच्छा होता ये कि हमारे घर में एक ही टीवी सेट होता है, उस पर हम देखते थे सारा। अभी क्या आगे सेल है आपका, कोई बैठा वहां कुछ देख रहा है, कोई वहां देख रहा है, ऐसा ये सब चीजें एकदम वो इस जो अपना वेब सीरीज से शुरू हो गई है, किसी चीज की है ही नहीं। आएंगी, अभी वो स्केल भी वेब सीरीज का बढ़ गया, पहले अभी लगता था कि यार इसका कोई वो नहीं होता, अभी कितने कितने बजट हो गए हैं, बड़े बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं इसके अंदर। पहले होता था नहीं यार, क्योंकि जो इसका जो शुरुआत हुई थी उसमें नॉन एक्टर्स लिए जाते थे। हमारी हिंदुस्तान की जो पहली वेब सीरीज है जो दिल्ली में बनी, क्या कंपनी का नाम था, उन्होंने बनाई, नए लोगों को लिया,
उन्हें अच्छा लगता था देखना, भैया देखा शूट करो, कोई ज्यादा एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बन गया है ना कंटेंट, एक अच्छा सा कैमरा है, शूट कर लिया हमने, डाल दो यूट्यूब पे, अपलोड कर दो, कोई किसी से वो नहीं लेना जी साहब ये हम मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आपने डाल दिया उसे। तो ये सारी एक जो हमें सहूलतें मिली उसका हमारा कहीं ना कहीं हम गलत फायदा उठा। हमें सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें ऐसा काम करना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए हम यूरोपियंस नहीं है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हम वेब सीरीज में हर थोड़ी देर बाद कोई गाली देता है, वो करता है, हम कितने बार बंद करें टीवी, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चे आपके सामने गाली दें या वो करें, और उसमें परिवार में है गलत रिलेशनशिप दिखाते हैं। मैं मानता हूं कि वो भी जिंदगी में हर जगह इतनी अच्छाई नहीं होती, लेकिन उसको दिखाना भी कोई अच्छी बात नहीं। विजयनंद साहब ने, गोल्डी साहब जो थे, उन्होंने वो सेंसर के थे, उन्होंने कहा यार सिनेमा है, लेकिन सिनेमा में ये थोड़ी है कि कोई आदमी कहते हमारा दिनचर्या कहाँ कहाँ से शुरू होता है, अभी थोड़ी को उसे दिखा देंगे वहां बैठा हुआ है, ये बैठा ये कर रहा है, क्यों, वाई, क्या हमें इसकी जरूरत है क्या? हम जब एंटरटेन कर सकते, एंटरटेनमेंट का वो है, आप जिंदगी दिखाना चाहते हैं अच्छी तरह से दिखाओ ना, क्यों आप गलत चीजें दिखाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा मार काट, इतनी ज्यादा वो नहीं अच्छा लगता आपको, आपने किया नहीं यार जिससे जरा वो होता है, इतनी ज्यादा मतलब के इतना ज्यादा वॉयलेंस हुआ है कि आपने कोई रोक नहीं सकता हमें, हम आएंगे जब गवर्नमेंट भी आ रही, कोई गाइडलाइंस नहीं होती, तो बिना जब गाइडलाइंस के काम करेंगे तो ये होता है। वही मैंने कहा वो रेड लाइट को देख आपके दिमाग में उठाना पड़ेगा, दैट्स ऑल मैं, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है और कितना चलेगा वो आई कांट। So, बहुत अच्छा पॉइंट था कि रेड लाइट को दिमाग में रखना चाहिए, हमें सबको अपनी एक लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, हमारा जो कल्चर है और जो हमारा कैरेक्टर है वो हमें खुद ही बिल्ड करना है, एंड अगर कल्चर को लेके कैरेक्टर बनाएंगे तो बहुत शाइन ब्राइट वाला कैरेक्टर हमारा उभर के आ सकता है। आपसे एक लास्ट सवाल जो कि आई थिंक सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, एक और मंत्रा कि अगर किसी को अपना करियर बनाना है एक्टिंग में तो उन्हें उनके लिए क्या सबसे जरूरी चीज है? भाई सबसे जरूरी तो यह है कि या इस लाइन में ट्रेनिंग लेके आए, मत आइए आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस करते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स करते हैं, आप इस प्रोफेशन को क्यों ऐसे देते हैं? आपको यहाँ की ग्लैमर दिखता है, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं सब टेक्निकल जानते हैं, अब जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, आपके पीछे टेक्निकल टीम है, आप जरा कुछ फंबल करेंगे या कुछ गड़बड़ करेंगी या लाइट में हो गया, कोई लाइट मैन खड़ा हुआ उसको प्रॉब्लम होगी, ट्रेंड होके आइए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए शौक है पूरा करना चाहिए, मैं मेरा भी शौक था मैंने किया, आप ट्रेनिंग लेके आएंगे अपना अच्छा काम करेंगे अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर ही हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट है। होता यह है कि आई एम सॉरी बहुत से लोग हैं बहुत बॉडी बिल्डिंग में लगे रहते हैं, अरे भाई इसकी जरूरत नहीं है, इसका यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, आपको नॉर्मल कैरेक्टर रोल करने पड़ेंगे तो उसमें आप एक रोबोट की तरह चलेंगे कि उसमें वो करेंगे, ये नहीं कि यार सब बॉडी बनानी है यार मुझे बॉडी बनानी, बॉडी भैया यहाँ उतना नहीं है, नॉर्मल लोग होते हैं ये, नॉर्मल कैरेक्टर करते हैं, शाहरुख खान हर फिल्म में थोड़ी, अब ये आमिर खान है वो हर फिल्म में थोड़ी इतने बॉडी लेके चलते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं, आप उतना काम नहीं कर पाएंगे, अपने पे काम कीजिए, रिहर्सल कीजिए, अपना एडिक्शन है वो साफ कीजिए, और थोड़ा सा एक ए एंड बी प्लान लेके चलिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो आई ऑलवेज बिलीव जो लोग बने वो कोई अलग दुनिया के लोग नहीं थे, आप और हम में से थे, आप भी बन सकते हैं, क्यों क्यों नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा ए एंड बी प्लान होगा तो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होते हैं यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता, आएगी क्योंकि आप एक ही दिमाग लेके आए कि नहीं ये
एक्टर बनना भाई, एक्टर तो सभी बनना चाहते हैं। पूजा आपको विश्वास नहीं होगा, इस लाइन में कोई भी डायरेक्टर या कोई भी टेक्नीशियन असिस्टेंट डायरेक्टर बनने नहीं आता। इवन लाइट मैन भी है वो भी एक्टर बनने आया था, वो भी जब देख रहा होता है कहता साहब मैं भी एक्टर बनने आया था। कई बार हम देखते हैं कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जैसे हम मेकअप रूम में बैठे हैं शीशा है तो वो भी आके बाल बाल ऐसे करने शुरू कर देता है, तू एक्टर है ना। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि उनके हाव भाव में वही रहता है। तो यहाँ वो ये प्रोफेशन कहाँ आपको प्लेस कर देगा पता नहीं चलेगा। कहीं ऐसे होते हैं जो बैक स्टेज होते हैं वो आगे आ जाते हैं, ट्रेनिंग लेके आए। ये नहीं मैं कहता कि किसी आप जो एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं एक्टिंग सिखाने के और पैसा बहुत ले लेते हैं आपसे, मत वहां जाइए। देखिए आपके अंदर है वो काबिलियत है आपके अंदर, कितना आप स्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा पढ़ाई कीजिए, अपनी एजुकेशन पूरा करके आइए। ये ना हो कि आप इसके जरिए आए और कुछ नहीं हुआ, तो आपके पास ए एंड बी प्लान होना चाहिए। ए है हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये जैसे हम भी आए थे हो गया नहीं तो ये हम करेंगे। हमें उस वक्त था तो आपको तो ज्यादा होना चाहिए। और आजकल के जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्टर्स ये जितने भी हैं बहुत नॉलेज है उनको, बहुत हमसे ज्यादा, और उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, फटाफट डायलॉग बोल देते हैं, फटाफट वो कर देते। तो ये सारी अपनी जो चीजें हैं, रियाज कीजिए रोज, प्रैक्टिस, ये आपको करते रहना पड़ेगा, अपने पे काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा रियाज है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लता मंगेशकर जी इस एज में भी आकर अभी भी वो रियाज करती है, बड़े बड़े वो हुए हैं जो लोग प्रैक्टिस करते थे, जैसे नसीर साहब है आज भी थिएटर करते हैं, उनका पैशन भी है, वो भी है। अपना ये क्राफ्ट जो है ये करते रहेंगे तभी अच्छा होगा। तो भैया ये तो बहुत अच्छी जगह है लेकिन उतनी टफ भी है। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह। एंड इसी के साथ मैं एक चीज आपको भी बताना चाहूंगी कि हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल ने लॉन्च किए क्रिएटिव वॉरियर प्रोग्राम्स, जो हम लोग स्कूल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि हर कोई एक्टर बनने आता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्टर सिंगर डायरेक्टर के आगे भी देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जो इस टीम को चलाते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एंड हमारे क्रिएटिव वॉरियर प्रोग्राम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6, जो एक टेंडर एज होती है ना, जब बच्चे को डिसाइड करना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन देना कि देर आर नॉट जस्ट वन बट 12-15 अदर रोल्स और पोजिशंस दैट यू कैन होल्ड टू बी इन दैट वन सीन। जो क्रेडिट्स आते हैं किसी भी सीरियल में या वेब सीरीज में या फिल्म में, जो क्रेडिट्स आते हैं लास्ट में, जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मेकिंग दैट शो और दैट फिल्म अ हिट। और उसी के लिए हमारे क्रिएटिव वॉरियर प्रोग्राम 6th ऑनवर्ड्स एंड वी आर गोइंग टिल बीएससी ग्रेजुएशन डिग्रीज ऑल्सो इन फिल्म मेकिंग एनिमेशन एक्टिंग पूरा, तो दैट इज ऑल्सो देयर। So your school, your college can also join Creative Warrior programs and you can be a Creative Warrior. And everybody has a right. I'll not say right. I'll take sir's permission to click a photo with Dinesh sir and take it as a selfie. नहीं मैं a selfie with sir एक और मैं बात करना social media. एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं खुद अभी teaching में जा रहा हूँ, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को सही guidance मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें भी लकी रहे कि हमें अच्छे लोग मिले जी। हमें इतने अच्छे डायरेक्टर्स इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला। हमें लगता है कि क्यों, मैं पूजा शूटिंग के दौरान भी मैं हर एक्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कहाँ से आए बेटा, क्या करते हो, कौन कौन है तुम्हारे घर में, मैं जानना चाहता हूँ उनके बारे में, उनको मैं वो करता हूँ। तो मैं उसको लेके अभी मैं बीच में किया भी था कि मैं एक्टिंग शुरू करूंगा लोगों को सिखाना, कि उनको बताऊं, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास कोई टैलेंट है वो हमारे पास है, उसका टैलेंट उसे निकालना है,
उसके अंदर क्या, उसको करने दो ना। आपके एक बहुत अच्छे टीचर आए थे वेबिनार में, उन्होंने बताया था, मैं स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, भाई तुम्हें क्या है, तुम बताओ मुझे क्या आता है। देखो ये प्रोसेस है, मैं भी सीखूंगा आपसे जी, मैं आपसे आज बहुत चीजें सीख के जा रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगा। ऐसी उसमें होता है कि मैं हम एक्ट्रेस को बताएं, मैं मोटिवेशनल टॉक में भी कर रहा हूँ, मैं सब चीजों में अब जाऊंगा। ये आप लोगों ने मुझे यहाँ ला के एक नया एक रास्ता दिखा दिया, मुझे आज नई होप हो गई है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। पूजा, मैं आपका भी और मैं नुपुर का तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, उसी ने मुझे परस्यू करती रही। एंड यू ऑल आर वेरी नाइस, आपसे बहुत से लोग हैं जो अभी जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ इस पे बुलाया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, एंड आपको पर्दे पे देखने के बाद और अभी बात करने के बाद ऐसे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े इतनी रिनोन पर्सनालिटी से बात कर रही हूँ। यू आर सो मॉडेस्ट, सो हम्बल, एंड इट्स बीन लास्ट एक घंटा जो सवा घंटा निकला है, इट्स बीन अ मेमोरेबल वन फॉर मी सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस यस जी, थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी दिन किसी बिल्कुल, और। बिल्कुल ऐसे तो बोला कहते होंगे। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद। एंड थैंक यू टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स वॉचिंग अस ऑन vidyadan.net। डू वॉच अस ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल, डू फॉलो अस, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड व्हाटएवर, एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स कि आगे आप किस टॉपिक पे वेबिनार चाहते हैं या किन से सीखना चाहते हैं, तो आप हमें बताएंगे एंड हम उन्हें आपकी तरफ से इनवाइट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।